कुछ दिन पहले शहर के जगनाड़ी चौक पर सौरभ चल्लेवार की जेसीबी से टकराने से मौत हो गई थी। इस मौत का जिम्मेदार प्रशासन है, ऐसा आरोप सौरभ के परिजनों और मित्रों ने लगाया है। नागपुर शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना से परिसर में खलबली मच गई थी। दरअसल शहर के लॉ कॉलेज चौक में एक कार पूरी तरीके से अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन घटना की जानकारी मिलने पर सीतावर्डी पुलिस मौके पर पहुंची। दरअसल मंगलवार की रात करीब 12:30 बजे के दरमियान लॉ कॉलेज चौक पर सिविल लाइन से लक्ष्मी भवन चौक की ओर तेज गति से जा रही कार के चालक का वाहन पर से नियंत्रण छूट गया। कार चालक यू टर्न ले रहे दुपहिया वाहन चालक को बचाने के चक्कर में पलट गया। इस कार में 2 से 3 लोग सवार बताए जा रहे हैं। घटना के बाद वहां एकत्रित हुए लोगों ने कार को सीधा किया और इस घटना की जानकारी पुलिस नियंत्रण कक्ष को दी। देखिए साथियों, टावर चढ़ के मैं ऊपर आया हूं। अभी नागपुर का सबसे बड़ा टावर है ये, पूरा शहर आपको यहां से दिखाई देगा दे रहा है। पूरा ये पूरा आपको शहर, पूरा नागपुर शहर के यहां से अपने को तनान कामटी भी दिखाई दे रहा है। ऐसा ये टावर है, ये मैं यहां चढ़ के ऊपर आया हूं। पिछले 8 दिनों से हमारे मित्र सौरभ चल्लेवार की जो हत्या हुई है, नागपुर महानगर पालिका बोलते हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। रात के वहाँ पे जाते समय सौरभ को वो जेसीबी दिखानी और रात के आते समय गड्ढा खोद के जगनाड़े चौक से KDA कॉलेज, आप ये दिए इतना फास्टेड रोड ही है, दिख रहे आपको, इस फास्टेड रोड के बीचों बीच आपने एक जेसीबी रखी हुई थी, उस जेसीबी से टक्कर खा के सौरभ चल्लेवार 28 वर्षीय होशियार सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की की मौत हो गई है। 8 दिन से हम लगातार इस चीज़ का फॉलोअप ले रहे हैं कि हम चाहते हैं इसका खूनी कौन है। इसका खूनी नागपुर महानगर पालिका के जो आयुक्त है राधाकृष्णन जी, ये इसकी खूनी है और इनके ऊपर खून का गुना दर्ज होना चाहिए। अगर ये गुना आज शाम 6 बजे तक गुना दर्ज नहीं होता है तो मैं सहदेव गोसाई यहाँ से कूद जाऊँगा। ये देखिए, मी राहुल जयस्वाल, आमचा जो मित्र आहे सौरभ चल्लेवार, या गेल्या काही दिवसापहिले या महानगरपालिकेच्या लेझीबनेसमुळे, महानगरपालिकेच्या अलगर्जीपणामुळे, आमच्या नागपूरच्या आयुक्ताच्या अलगर्जीपणामुळे आमचा एक सज्जन समाजसेवक समाज सुधारक एक सज्जन मुलगा ज्या जो सॉफ्टवेअर इंजिनियर होता त्याचा मृत्यू झाला। हे मृत्यू नसून त्याची हत्या आहे आणि या हत्येचे जिम्मेदार महानगरपालिकेचे प्रशासकीय अधिकारी आहे आणि त्या अधिकाऱ्यावर लवकरात लवकर कारवाई झाली पाहिजे याच्यासाठी आज आम्ही एकत्रित झालो आहे। आमचा एक मित्र त्या टावरवर चालला आहे, त्या टावरवर तो चढून आपली त्यांना ललकारत आहे, जो सिस्टम आमच्या विरोधात उभा आहे। तुम्ही मला सांगा, ज्यावेळी आम्ही त्याचा मृत्यू झाला त्यावेळी प्रशासकीय अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली पाहिजे होती, पण कारवाई त्याच्यावर न करता जेसीबीवर कारवाई केली। तुम्ही मला सांगा, जेसीबीवर 302 गुन्हा लावला। तुम्ही मला सांगा, जेसीबी कधी कोणाला मर्डर करू शकते का? जेसीबी किंवा चाकू घेऊन धावला का? जेसीबीनं गोळ्या मारल्या का? अरे जेसीबीनं काही नाही केलं, जेसीबीनं नाही, त्या कॉन्ट्रॅक्टरवर गुन्हा दाखल करा, त्या आयुक्तावर गुन्हा दाखल करा। NBC News के लिए व्हिडिओ जर्नलिस्ट अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।